यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, नंबर वन इन द सेंस, जहां की आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, प्रिपरेशन आप लोग जबरदस्त कर रहे होंगे। तो जो आपका क्लास सिक्स वालों के लिए जो मैथ चल रहा था, कोई भी आपका एग्जाम हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, RMS हो, CHS हो, JNU हो और मेन आपका सैनिक स्कूल हो, जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, उसके लिए आपको सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। मैथ की प्ले लिस्ट चेक करना, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट सारे सेक्शन में जाना, इससे पहले के सारे वीडियोज देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने उसमें बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम वो कर लिया था, उसमें फिर हमने आपके रोमन सिस्टम करा था, फिर हमने वहां पे आपका जो लास्ट करा था क्या करा था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे हमने क्वेश्चन करे थे। होप आप लोगों ने अच्छे से करे होंगे। आज हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहे हैं या राउंड ऑफ कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लगभग लमसम भी कहते हैं, है ना। अभी हम क्लियर करेंगे इसको। और उससे पहले गाइज देखो कि अगर ना आपने अभी तक वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, एक बार उनको देख लेना, डेली आपको वीडियो मिलती है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आप सिक्स क्लास के हो तो मंडे को आपको वीडियो मिलेगी, वेडनेसडे को आपको वीडियो मिलेगी, फ्राइडे को आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को एक एक वीडियो आपको मिलेगी। बाकी मैं ट्राई करूंगा और ज्यादा लाने का, और जो ये बाकी के दो तीन दिन बचते हैं उसमें नाइन्थ क्लास के लिए वीडियो आती है, ये चीज आपको पता ही होगा। ओके चलो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है गाइज, अप्रोक्सीमेट मीन्स होता है लगभग, ठीक है। आप सोचा कि यार ये अप्रोक्स इतना होगा लगभग, या इसी को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। मान लो आप दुकान में जाते हो, ठीक है, मान लो आपकी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि बेटा दुकान में जा ये चीज लेके आ, मान लो वो चीज आई 18 रुपए की, ध्यान सुनना गाइस, मान लो वो चीज आई 18 रुपए की, 18 रुपीज की आपको वो चीज आई, आप घर की, आपने बोला मम्मी, मम्मी ने पूछा कि बेटा कितने का आया सामान, आपने बोला कि मम्मी 20 रुपए का आया, 2 रुपए का घोटाला कर दिया, है ना, तुम लोग बड़े घोटाले बाजू, ठीक है, 2 रुपए का घोटाला तुमने कर दिया, ठीक है, कि मम्मी 2 रुपए का हमने क्या ले लिया, हमने चटपटी ले ली 2 रुपए की, जो तुम लेते हो, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि सर राउंड ऑफ, कि मैम, कि मैम नहीं, कि मम्मी 20 रुपीज का आया, तो जबकि आया कितने का था, 18 का। तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्स वैल्यू, एक राउंड ऑफ, एक लमसम बता देते हैं कि इतने का आया। मान लो आप दुकान में कि आपको 97 रुपए का, 97 का आया, हम बोलते हैं 100 रुपए का आया भाई, क्योंकि 97 बोलने में थोड़ी मजेदार नहीं लगता, थोड़ी फील नहीं देता है, है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि 100 रुपए का आया। बात आपको समझ आई होगी। मान लो ये तो कम है, आपने बोला आप एक दुकान में गए और उस दुकान में आपको मिला, ठीक है, 1990 रुपए का आपको मिला। अब ये बोलने में काफी हमें अफोर्ट करना पड़ रहा है, लिटरली बोल रहा है ना, हमें काफी जोर देना पड़ रहा है, 1990 रुपए का आया, या 1990 का आया, या 1990 का आया, तो ये काफी दिक्कत हमें बोलने में हो रही है। इसे हम सीधे क्या कहते हैं कि सर ये 2000 का आया, बात खत्म, कि सर ये 2000 का आया। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय लैंग्वेज मैं चल रहा हूँ, द्विभाषिक मैं चल रहा हूँ, दो दो भाषाओं को लेकर चल रहा हूँ, जैसा आपको समझ में, आप लोग समझ सकते हो। कोई दिक्कत होगी कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो, अपना नाम, क्लास और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, वहां आपके जो आप लोग आपस में अपनी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया, आपको समझ आ गया कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो अलग अलग टाइप से ये होता है, एक होता है इसमें नियरेस्ट 10, ध्यान से देखना, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, नियरेस्ट का मतलब है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, नियरेस्ट मतलब होता है नजदीक, ठीक है, और 10 मतलब आपको पता है 10 होता है, ठीक है, 10 मीन्स आपको पता है 10 होता है, ठीक है। पहले हम नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि राइट नियरेस्ट 10 ऑफ 76, अगर आपको ये आ गया कि राइट नियरेस्ट 10 ऑफ 76, अब मुझे पहले बताओ गाइस 10 की क्या क्या फॉर्म है, ऐसे कौन से नंबर है जो 10 के फॉर्म में है। हम बोलेंगे सर, मतलब राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, एक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 भी चलो, ये तो आपके 100 वाले फॉर्म के, पर हम 90 तक मान लेते हैं, ठीक है, 90 तक हमने इसे मान लिया। ध्यान से देखना, हमसे क्या बोला गया कि नियरेस्ट 10 लिखो, इसका नियरेस्ट 10 हमें इसका लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि सर जो ये 76 है, ये ऐसे किन दो नंबर के बीच में है जो कि राउंड ऑफ में 10 है।
हमने बोला कि सर 76 जो है वो 70 और 80 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, कहीं ना कहीं है, आपको भी क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 70, यहाँ पे लिखूं मैं 80, यहाँ पे बीच में कहीं भी आ रहा होगा 76 आ रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो है सर, बिल्कुल समझ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्लियर करने वालों, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ऑन द स्पॉट चीज क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करके आओ। मैं चाहता पूरा नंबर सिस्टम 20 मिनट में खत्म कर सकता था जैसे और लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हमें इतना करना है लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि उसमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो ये 76 देखो, ये इन दोनों के बीच में है। अब हमें नियरेस्ट 10 बोला है कि ये ज्यादा किसके पास है, नियरेस्ट ज्यादा किसके पास है, हमने देखा सर ये 80 के ज्यादा पास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 76, 77, 78, 79 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5 आ जा रहे हैं, तो ये 80 के ज्यादा पास है, इसलिए हम बोलेंगे कि सर नियरेस्ट 10 ऑफ 76 इज 80। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज यहाँ पे समझो, आपको नियरेस्ट 10 में क्या देखना है, वंस डिजिट देखना है, इकाइकांक देखना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट जो होगा, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, लास्ट वाला डिजिट जो होगा अगर वो 5 से, अगर वो 5 से छोटा होगा, अगर वो 5 से छोटा होगा तो आप पीछे की तरफ आओगे, जैसे यहाँ पे ये 70 था तो आप इधर की तरफ आओगे। अगर वो लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होगा तो गाइस आप आगे की तरफ जाओगे, इस ध्यान यहाँ पे 80 पे आए। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ आएगा। मैंने बोला 62 का नियरेस्ट 10 बताओ, आपने लास्ट देखा है यहाँ पे कि सर लास्ट डिजिट यहाँ पे, क्योंकि जब 10 की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, जब 10 की बात हो रही होगी, 10 की बात हो रही होगी तो हमें लास्ट डिजिट देखना है। अगर वो 5 से बड़ा होगा आगे की तरफ जाओ, अगर वो 5 से छोटा होगा पीछे की तरफ आओ। सर ये 5 से छोटा है तो मैं इसके पीछे वाले नियरेस्ट 10 की तरफ आऊंगा जो कि होता है 60 और यहाँ होता था 70। बोलो यहाँ पे किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बता दो, किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता दो, नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास होके हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका नियरेस्ट 10, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नियरेस्ट 10 ऑफ 2, 3, 5, 7। लिसन केयरफुली गाइज, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि नियरेस्ट 10 ऑफ, ठीक है, या ऐसा भी लिखा रहता है राइट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन द नियरेस्ट 10, इन द फॉर्म ऑफ नियरेस्ट 10। अब हमें पता है सर यहाँ पे लिखा है 10, 10 मतलब क्या है, वंस टेंस, सर 10 में तो सिर्फ दो डिजिट आती है, 10 लिखा है ना, 10 में ऐसे लिखता हूँ ना, 10 में दो डिजिट आती है, तो हमें सिर्फ इन दो डिजिट को यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। हमने फिर देखा सर 57, ये एक तो आपके 50 और 60 के बीच में है, सबको पता है 50 60 के बीच में, ज्यादा ये किसके पास है, सर 60 के पास है, सीधे यहाँ पे 60 आ जाएगा। या दूसरे वे से समझो, सर लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 है, मैंने बोला अगर 5 से ज्यादा होगा तो आगे वाले नियरेस्ट 10 की तरफ जाना, तो 60 तब भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 6, 0 नियरेस्ट 10 में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में? यस सर समझ आएगा। ये था आपका नियरेस्ट 10 का फंडा। लास्ट में क्वेश्चन बता रहा अभी कि दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, नियरेस्ट 100 की, वो भी हम जरा देख लेते हैं गाइस, ठीक है, नियरेस्ट 100, 100 आपको पता है, आप ऐसे लिखते हो 100 ना, 100 में 3 डिजिट होती है। हमसे पूछा गया राइट नियरेस्ट 100 ऑफ 2, 3, 5, राइट नियरेस्ट 100 ऑफ 2, 3, 5, लिसन केयरफुली। अब 100 में डिजिट कितनी है, सर ये भी कोई पूछने की बात है, आप हमें इतना लुच्चा समझते हो, 100 में 3 डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमें कितनी डिजिट लेनी होगी, 3 डिजिट लेनी होगी, इन 3 डिजिट का हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, कब, जब बोला जाएगा नियरेस्ट 100, क्लियर? यस सर क्लियर। अब इसमें हमें देखना है, आप सबसे पहले देखोगे कि सर 235 ये किसके और किसके बीच में है। मैंने देखा कि सर एक तो ये 200 के बीच में है और एक ये 300 के बीच में है। अब पहली बात देखो 100 वाली फॉर्म क्या क्या है, सर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, एंड गाइज आपका 800 है, 900 है, एंड आपका फिर 1000 आ जाएगा। ये आपके नियरेस्ट आई मीन 100 वाली फॉर्म है जो कि अप्रोक्स वैल्यू है यहाँ पे, क्लियर है सबको बात? ये सर क्लियर है। अब हमें क्या करना था, 235 को बताना था। अब हमें पता चल गया कि सर ये सिंपल है, काउंटिंग तो सबको आती है, 235 जो है वो 200 और 300 के बीच में है।
हमें सिर्फ ये पता लगाना है वो ज्यादा किसके क्लोज है, वो ज्यादा किसके पास है, वो ज्यादा किसे पसंद करता है, वो ज्यादा किसके साथ रहना पसंद करता है, ठीक है, वो हमें देखना है। हमने बोला कि सर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 235 200 के ज्यादा पास है, आप 200 को लॉक कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया और ये आपका आंसर भी है कि इसके नियरेस्ट 100 ऑफ 235 इज 200। बट सर थोड़ी ना मजा सा नहीं आ रहा है ना, थोड़ी मजा सा नहीं आ रहा है, देख लेंगे। जैसे मैंने बोला था अभी कि जो 10 था, 10 की फॉर्म में हम क्या देखते थे, अगर वो 5 से बड़ा होगा आगे की तरफ, 5 से छोटा होगा पीछे की तरफ। ऐसे अगर यहाँ पे ये 100 से पहले 100 का हाफ कर दो 50, अगर ये 50 से बड़ा होगा तो आगे की तरफ जाओगे, 50 से छोटा होगा तो पीछे की तरफ आओगे। यहाँ पे ये देखो लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने यहाँ पे, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। 10 वाले फॉर्म में हमने क्या देखा, लास्ट का 1 डिजिट, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट। तो 35 आपको पता है सर 50 से छोटा है, तो हम पीछे की तरफ आएंगे, इसलिए हमने बोला कि 200 हो जाएगी। आई बात समझ में, ये आपको एक चीज फंडा क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि नियरेस्ट 100 ऑफ दिस नंबर, 100 में कितने डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3। तो हमें सिर्फ इसका राउंड ऑफ बताना है, 3 यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, हमें सिर्फ इसका, क्योंकि 100 की बतानी है, नियरेस्ट 100 की फॉर्म बतानी है, तो 567 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे होने क्या वाला है, हमने देखा है कि सर जो 567 है वो किस किसके बीच में है, सर एक 500 के बीच में है, एक 600 के बीच में है। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला ठीक है ये ज्यादा किसके पास है, आप सीधे देखोगे सर 67 50 से बड़ा है, ऑब्वियसली 600 के पास होगा, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू 100 के फॉर्म में आ गई 3567 था, तो 3600 आपको उसकी वैल्यू आ गई और आपको समझ भी आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्या नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं, लास्ट है बस वहीं तक क्वेश्चन आएगा, उससे वो लैक 10 लैक वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नियरेस्ट 1000 में आपको पता है कितनी डिजिट होती हैं, 4 डिजिट होती हैं, सिंपल मैंने बोला नियरेस्ट 1000 ऑफ दिस नंबर 2334। सबसे पहले देखो ये किस किस के बीच में है, सर 2000 और 3000 के बीच में है, 1000 की फॉर्म में राउंड ऑफ क्या है, 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें इसकी नियरेस्ट 1000 बतानी है, 1 to 10 100 1000 नियरेस्ट 1000 हमने बतानी है। अब यहाँ पे बात क्या होगी, ध्यान से सुनना, ये किसके ज्यादा पास है, हम बोलेंगे पहली बात तो ये किस किस के बीच में, पता लगाओ, ऐसे चुपचाप मत रहो, पता लगाओ, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। क्या पता लगाएंगे कि ये किसके ज्यादा पास है, हमें एक स्टेप तो पता चल गया सर ये इन दोनों के बीच में, अब ये किसके ज्यादा पास है, उसके लिए आप एक चीज समझ सकते हो, जब भी 1000 होगा तो 1000 का आधा क्या होता है, 1000 का आधा होता है 500, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 500 से कम होंगे पीछे की तरफ आओगे, 500 से ज्यादा होंगे तो आगे की तरफ जाओगे, ठीक है। तो हमने देखा सर यहाँ पे 354 500 से छोटा है, हम पीछे की तरफ आएंगे और इसके जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी नियरेस्ट 1000 में, वो आपके 2000 बनेगी। बात आपको समझ में आ चुकी है। 10 वाले फॉर्म में हमने क्या देखा, 10 का आधा 5 कर लो, उससे छोटा बड़ा देखो, 100 में आधा 50 कर दो, छोटा बड़ा देखो, 1000 में आधा 500 कर लो, छोटा बड़ा देख लो और मजे कर लो, ठीक है, समझ आपको आ चुका है। इस पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, इस पे दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हम हर किसी में देख ही रहे हैं, आपको बोला नियरेस्ट 1000 ऑफ 2 3 5 6 7 8, क्या बोला है, नंबर तो बहुत बड़ा है बट यहाँ पे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे नियरेस्ट 1000 1 to 10 100 1000, हमें सिर्फ इसका करना है 23 ऐसे आएगा, 5678। हमने सीधे सीधे देखा सर लास्ट के 3 डिजिट देखो, 500 से बड़ा है तो आगे की तरफ, 500 से छोटा है तो पीछे की तरफ, ठीक है, 678 500 से बड़ा है सीधे आगे की तरफ जाओगे, आगे की तरफ मतलब वहां पे क्या है, अब आगे की तरफ ये ऐसा है देखो 5678, इसके पीछे की क्या है 5000, इसके आगे की क्या है 6000, तो हम कहाँ जाएंगे सर, आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये 600 से 500 से बड़ा था, तो सीधे इसको लिख दो यहाँ पे 6000, आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई 23
2,10,000, 2,36,000, यहाँ पे था 2,35,000। आई बात समझ में, मजा ही आ गया। चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे। बाकी आपका ये फंडा कंप्लीट, आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक नहीं करा तुमने अभी तक, पता नहीं तुम बैठे बैठे क्या करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है आपको, राइट राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2,357। अब ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर फोकस नहीं करा है किसी नियरेस्ट वाली फॉर्म में, सीधे हमें बोला इसका राउंड ऑफ बताओ या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। यहाँ पे 10,000, 1,000 का कुछ लफड़ा नहीं है, तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पूरे नंबर की वैल्यू बतानी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर नियरेस्ट 10 पूछा जाएगा तब 2 डिजिट, नियरेस्ट 100 पूछा जाएगा तब 3 डिजिट, अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो सारी की सारी डिजिट आपको वहां पे ले लेनी है। अब सब नंबर है ये 2,357, हमें पूरा नंबर देखना है, 1,10,000, 1,000 सर ये 1,000 वाली फॉर्म है, मतलब हमें इसके 1,000 का देखना है। ये 1,000 एक तो ये 2,000 के बीच में है और एक ये 3,000 के बीच, इन दोनों के ये बीच में है। ज्यादा किसके पास है, 1,000 की हम बात कर रहे हैं, 1,000 वाला ये नंबर बना है, तो यहाँ पे 1,000 का आधा 500 से छोटा है 357, पीछे की तरफ आ जाओगे, नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 2,357। ऐसे क्वेश्चन अगर ये आएगा 2,5,6,7,8, 1,10,000, अब सीधे बोला गया कि इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, 1,10,000, 1,000, 10,000, मतलब हमें इस पूरे की अप्रोक्सीमेट वैल्यू साथ साथ बतानी है। अब ये कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखो हमने काउंट करा 1,10,000, 1,000, 10,000, लिसन केयरफुली, 10,000 में 10 में कितनी जीत, 2 जीत। हमने देखा कि सर ये 25,000 की बात कर रहा है और 26,000 की बात कर रहा है, मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला 2,5,6,7,8, ठीक है, ये था 25,678, 25,000, 26,000 के बीच में है, ज्यादा किसके पास में है। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान लगाओ, हम यहाँ पे नियरेस्ट 1,000 ही तो लिख रहे हैं ना, 25,000 ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमने लास्ट के 3 डिजिट देखे, 678, ये किसके ज्यादा पास है, आई मीन 500 से कम है पीछे की तरफ, 500 से ज्यादा है आगे की तरफ, तो 600 से ज्यादा है आगे की तरफ जाओगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26,000 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाएगी। किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बताओ, यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि राइट नियरेस्ट फॉर्म ऑफ राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ नियरेस्ट 10 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अगर 10 आएगा 2 डिजिट ले लो, 57, 60 के ज्यादा पास है, 2,360 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी बुक आपके पास है अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे तो कर लो, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के, जब आपका चैप्टर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं सारा जो हमने पहले से पढ़ा होगा उस पर क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर वाइज हम क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, बाकी क्वेश्चन भी करते रहो, मजे से करते रहो, मजे से करते रहो, मजे से करते रहो। ठीक है गाइज, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए है, बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आपने पेरेंट्स को बोला है ना कि भाई पापा मम्मी हम मेहनत करेंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे, RMS में जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, बिल्कुल नवाबों की तरह हम जाएंगे, जब घर आएंगे हमारी बहुत इज्जत होगी, लोग बोलेंगे भाई कि ये तो सैनिक है, ये तो मिलिट्री वाला है ना, कि ये तो JNV वाला है, ये तो ये वाला है, ये तो पबजी वाला है, पबजी वाले तो नहीं, अब तो पबजी बैन हो रखा है। ठीक है, कोई ये ना कहे कि तुम पबजी वाले हो, ठीक है, आपको मिलिट्री वाले कहलाओगे, और अगर ज्यादा ही है तो ये बोलोगे कि भाई ये तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है, कि ये तो UC वाला है, दिलों में आग लगाकर तुम बच्चों ने जो एग्जाम के शौक पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, राइट। एंड यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फंडा क्लियर, अगर वीडियो सही लगा, ऑब्वियसली सही लगा होगा, मैं बोल रहा हूँ जब पहले देखो पढ़ा कौन रहा है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, हर चीज मजेदार होगी, समझ आएगी, आपको समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा
तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, उसकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। बाकी मेहनत आपको करनी है, जहां भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फुल मजे करते रहो। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया डेली क्लास होती है, प्रॉपर टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट होता है, डेली पीपी भी मिलता है। फिर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, फिर सब कुछ हमारा काम है, आपको बस मेहनत करनी है। ओके गाइज, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।